बच्चे मम्मी मीठे ही बांटो, बच्चे दिए चूहे ने, गाड़ी में चूहे ने बच्चे दिए। मार हैप्पी बर्थडे। बस हो गया ना विदित, बस हो गया ना सर, ज्यादा नहीं भाव बढ़ गए इसके। Hey guys, good morning, welcome back to our new vlog. तो फिलहाल कैसे हो आप सब? I hope कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रही सुबह की 8:50। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर बंदूक है आपकी तो। विदित नाव नाव कर ली, नाव नाव कर ली, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्णा। कैसे हो आप? आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आई लव यू बोलो। आई लव यू टू। आई लव यू अ लॉट। चलो गणपति पापा की आरती करेंगे, गणपति पापा वेट कर रहे हैं। थैंक यू। चलो 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 दादी माँ, घंटी दो। अले ये तो पहले ही मिल गई थी आपको। दंत दयावंत चार भुजाधारी गणपति बप्पा बुढ़िया 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 नहीं है, मोरिया मोरिया। मामा ने बोलते थे ना गुस्सा नहीं करूं, मैं कुछ नहीं करूं और पढ़ लिख के जल्दी से बड़ा हो जाऊं, जल्दी से बड़ा हो जाऊं। थैंक यू। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये बंदूक हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, क्यों विदित? बंदूक नहीं हाथ से छूटना चाहिए, है ना? गणपति बापा कितनी ही सुंदर लगते हैं भैया, भगवान जी फूलों के साथ में सजा सजा दो, और ऐसे भी सुंदर लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदूक रख दो ना आप यहाँ पे। नहीं। बात तो सुनो, अरे बंदूक तो दिखाओ, आपकी बंदूक दिखाओ एक बार सबको। ये देखो भैया टूटी फूटी बंदूक की हालत देखो, कैसी बंदूक स्कूल में लेके जा रहा है। उसके लिए सबसे प्रिय है, क्यों? बड़ी और बहुत अच्छी है वो। विदित बंदूक रख दो ना यहाँ पे प्लीज ना। विदित क्यों हमको लज्जवा रहे हो? पापा दूसरे मैं बच्चों को सीख मिलेगी कि हाँ ऐसी बंदूक सही रहती है। ठीक है तो चलो फिलहाल विदित को चले स्कूल छोड़ने के लिए इतनी बड़ी बंदूक लेके। और तो अच्छे मौसम में जाला है। आई थी ये सब बाबा खड़े थे ना वहाँ पे, आगे ना हाथी मिलेगा देखना फट को। इधर उधर कहीं ना कहीं हाथी तो मिलेगा क्योंकि ये सब है ना हाथी लेके आते हैं हमेशा, मैंने देखा है। आज शायद तक हाथी जी के, हाथी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। हाथी तो नहीं मिले पर 36 कोटि देवी देवता मिल गए। ये भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, ये गौ माता की बात कर रहा हूँ। ये तो भैंस है, भैंस काली वाली गाय है। भैंस के अंदर भगवान होते हैं क्या? मैंने नहीं सुना तक। पता है भैंस का दूध ओनली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पीते हैं, बाहर के देशों में कोई नहीं पीता शायद तक। पक्का है कोई पीता ही नहीं है, सिर्फ भारत में भैंस का दूध पिया जाता है, बाकी देशों में गाय का ही दूध पीते हैं। अपन ही है भैया जो भैंस का दूध पीते हैं अपन और पचा पाते हैं। भैंस का दूध इतनी आसानी से पचाना हम बात नहीं होती भैया। स्कूल जाओ विदित, हमको पूछी मुची तो देखे जाओ। रुको भाई, अरे पूछी तो देखे जा। मेरे की जान सीधी जा रही थी तो हमारी की जान आप। जय श्री कृष्णा। हाँ बाय। जय श्री कृष्ण। आवाज दे मैम को, आवाज दे तो मैम। बाय बेटा, बाय।
सरप्राइज ये देखो विजित की स्कूल और यहाँ पे हमारी गाड़ी में चूहा गुस्सा भरा पड़ा है। गजानन तो नहीं मिले, मूषक राज मिल गए। हाँ ये देखो भाई यहाँ पे कतरा हुआ चूहे ने पूरा खा गया है, केबल भी खा गया है। और फिर मैंने ध्यान से देखा चूहा तो इसके अंदर बैठा हुआ है। अब चूहे को बाहर भगाना है गाड़ी से, तो उसके लिए तरीका है पकड़ 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 इसको भूलना नहीं है ना यहाँ पे। अंदर देखना है सीट उठाओ के वहाँ से निकले सरप्राइज। इतना बड़ा चूहा है, छोटा मोटा नहीं। अच्छा खासा बड़ा देखा ना मैंने। ओ भाई छोटे छोटे से बच्चे देखो, गाड़ी में बच्चे दिए उन्होंने, बच्चे मम्मी मिठाई बांटो बच्चे दिए चूहे ने, गाड़ी में चूहे ने बच्चे दिए। खा गए वहाँ से सीट खा गए और गाड़ी में दो चूहे के बच्चे छोटे छोटे से। अब इनको बाहर फेंक भी नहीं सकते अपन, कहाँ क्या करेंगे इनको स्वागत। बाहर नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे, रखना पड़ेगा। उठाओ बच्चों के ऊपर नहीं गिरेगा, देखना ध्यान से ऊपर ऊपर उठा लेना, ऊपर ऊपर खींच लो ऐसे ऐसे बच्चों, एक बार में उठाना। हाँ बस पूरी गाड़ी खोल दी है। इधर उधर तो नहीं घुस गया चूहा, यहाँ गाड़ी खड़ी रहे जो कि माए आओ को कुछ यहाँ है। अरे इसमें था इतना बड़ा, तो कि माए जो है कि माए आओ उनको बड़ा। अरे हाथ डालो ये निकालो पन्नी। हाँ तो निकाल रहा ना, पर देखो से कोई है इतना। अरे कौन रहेगा अंदर, चूहा रहेगा ज़्यादा ज़्यादा, और कौन रहेगा। क्या यार शिफ्ट में चूहे घुस गए, इधर क्या निकला। ये शायद अंदर से जो अंदर पैकिंग कंपनी ने पैकिंग करी ना उसको खा के निकाला है उन्होंने बाहर। अब भी जस्ट विदित को स्कूल छोड़ के आए हैं और जैसे ही स्कूल से बाहर निकले देखा तो केबल कटी हुई। कर्मा जी समझ गए भैया गाड़ी में है चूहा, अभी घर आके उसको बाहर निकालने की कोशिश भी लगे पड़े भैया, तो खतरनाक तरीके से। नहीं चूहा बड़ा, चूही बड़ी है कि आदित्य और मैंने देखी पॉटी कर दी उसने, तो ये पॉटी करी क्या करी उसने, जगह तो खतरनाक। उनके कान भी नहीं खुले अभी और आग भी नहीं खुली है। ये देखो एक चूहे के पीछे एक दो तीन और एक भैया अंदर गए, चार लोग लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से चूहा निकल जाए सही रहेगा, वरना निकालना तो है ही उसको। खैर मूषक राज आए, गणपति के दिन चल रहे। अब आप लोग बोलोगे कि ये ना आप लोग गलत कर रहे हो, उसको ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, उसको भगाने पे लगे हो, आपको भगवान जी ने भगवान जी की कृपा है आपके ऊपर ही मूषक राज ने दर्शन दिए। वो सारी बातें ठीक है, हम लोग ना किसी भी जानवर को किसी भी पक्षी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के द्वारा आपको परेशानी होती है या थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो उसको धीरे से हटा दो, उस जगह से दूर कर दो। गणपति पापा हमने हाथी राजा के दर्शन करने को बोला था, आपने आपका मूषक भेज दिया, थैंक यू। चलो भैया सारी बातें छोड़ो, जैसे ही चूहा बाहर गया कि मेरे पति के पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे। कूद तो अभी भी रहे होंगे पर उनको अभी समझ नहीं पड़ रही है सामने चूहा देख के। जैसे ही ऊपर आएंगे वो मेरे को खाने की कोशिश करेंगे कि कुछ खाने को दे दे, 10 बज गई है। इसलिए फटाफट से तड़का लगाओ, बघार बनाओ और पति का पेट भरो। गाड़ी तो ओपन करके रख दे, चूहा निकल जाए बस यार यहाँ से, यही चाहते हैं। चूहे ने यदि कुछ कर दिया ना तो गाड़ी की पूरी गाड़ी खुलेगी, वायरिंग पूरी खोलना पड़ेगी गाड़ी की। अभी भी सीट वगैरह सब कुछ खोल के रखी है, भूख लग रही है, नाश्ता खाते हैं। बासी रोटी के पोहे दही नींबू, सुबह सुबह से मूड ऑफ हो गया यार, चलो नाश्ता खाते हैं। और अपना ना जियो फाइबर चल नहीं रहा था, कितने 4-5 दिन हो गए नहीं चल रहा है। बहुत कंप्लेंट करी, सब कुछ करा, ये तो जियो का एयर फाइबर सब कुछ कर लिया अपन ने, बहुत सारी कंप्लेंट कर ली, कोई सॉल्व करने नहीं आया। कल मैंने एयरटेल का एयर फाइबर के लिए अप्लाई कर दिया है, पेमेंट भी दे दिया है ना, तीन महीने का पेमेंट भी दे दिया है। और अभी आएगा 10-15 मिनट में आ ही जाएगा और लगा जाएगा, और कल रात को चालू हो गया मन से। देख जहाँ मैंने सुबह से देखा वाईफाई चल, मन से चालू हो गया, आप सोच ले इतनी मेहनत तो अपन कंप्लेंट वम्प्लेंट सब कर जब चालू नहीं हुआ, और जब दूसरा अपन ने करा तो चालू हो गया। अपना क्या है, अपन भी इसको अब जितना चल रहा है चला लेंगे, रिचार्ज करेंगे नहीं, पड़ा रहेगा हटा देंगे, बंद कर देंगे, अपन दूसरा लगा लेंगे।
क्योंकि जियो वाले सर्विस नहीं देते ना, तो अपन जियो वाले के साथ में अड़म चलो। जियो वाले सर्विस सही से देते तो अपन सही थे, सर्विस नहीं देते तो अपन भी अड़म चलेंगे। आखिरी में ना मैं उनको दूंगा नहीं। ये चीज़ें ना रिटर्न की जाती, पर मैं रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। ये भी नहीं करूँगा उनका सेटअप बॉक्स भी रिटर्न करूँगा। जैसे मैं रिटर्न कर देता यदि सर्विस बराबर देते तो। अब सर्विस नहीं थी, मेरा एक महीने का लॉस करवाया ना। जो दूसरा जियो फाइबर, दूसरा एयरटेल का एयर फाइबर लगवा दिया उन्होंने मेरा। दस फ़ोन करे होंगे मैंने वो लड़कों को, और 4 कंप्लेन करी, कोई नहीं आया। लो भी आप, मैं भी नहीं दे रहा तुमको तुम्हारा फाइबर वगैरह, जितना चलेगा चला लेंगे, आखिरी में बंद करके पटक दूंगा मैं उसको अंदर ही। ठीक है, तो फिलहाल हमारा नेट नहीं चल रहा था ना, तो हमने एक चीज़ करी, एयरटेल वाले को बुला के एयरटेल का लगवा लिया गया। और देखो इसके अंदर लाइव छतरी भी लगी, ये भी चलता है, और ये चल रहा है अभी सोनी मैक्स, इनने सूर्यवंशम को ही खरीद के मारा भैया हमें। जब देखो जब इस पर यही चला करती है। अब देख मिलेगी अपन को मूवी देखने को। हाँ, इसी कॉपीराइट इसी का है, एक जियो का ये रहा, एयरटेल का भी लगा के गए भैया। चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बस दिक्कत ये आ रही है कुछ कुछ चैनल के सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट बच्चे दबा के खरीद लेंगे, इंस्टेंट खरीद लेंगे, वो चीज़ सही नहीं लगी। बाकी छतरी भी है, नेट नहीं चले तो छतरी जरूर चलेगी यहाँ पे। अब चारों टायर सर्विस पे जाना चाहिए। तुम देख लो, ये खा चुका है, ये टुकड़ा मैंने देखा है अभी उसको खाते हुए, वो भी अधिक ने बोला। ये तो चूहा जैसा यहाँ पे कतर रहा, और गाड़ी के अंदर अपना चूहा कतर रहा। देख बंदूक तेरी फेंक दूंगा, तेरी बंदूक भी जाएगी, दे दे। हर चीज क्या खाने की होती है विदित? खाने की होती है बंदूक? नहीं। खाएगा आप? नहीं। जो गाड़ी के टायर आप खा रहे हैं, गाड़ी फेंकने में जाएगी भैया। मम्मी डस्टबिन में डालो, तो डाल दो डस्टबिन में, बिना देखे डाल दो, डाल दो, कोई सोचना ही नहीं गधे उनको। अब ऐसा करेगा ना तो मैं तेरे को भी रेस्टोरेंट में डाल देगा। जो चीज मेरी आती है इसके कारण पहले जाती है। ठीक है, तो चलो फिलहाल खाना आ गया है। ये जो गाय जब बेबी देती है ना, होता क्या, जब पहला दूध निकलता गाय का तो ऐसा गाढ़ा दूध निकलता है, तो उस दूध को क्या करते हैं, थोड़ा सा शक्कर डाल के हल्का गर्म करते हैं, मीठा हो जाता है, फिर पानी में उसको, पानी की भाप में उसको करते हैं, स्टीम करते हैं, तो प्लेट में सा जम सा जाता है, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लो, फिर कटिंग कर लो, मिठाई सी बन जाती है। जब गाय का पहला दूध निकलता है ना बेबी होने के बाद में, पहली बार निकलता है दूध, वो दूध की बनी है ये, और पूजा ने भेजी बढ़वाने से यहाँ पे। ठीक, तो फिलहाल ऐसा छाछ किसी ने नहीं पिया होगा जैसा छाछ हम पी रहे हैं। असली में बटर मिल्क देखो, अदिति ने छाछ में से माखन तो निकाला पर बहुत कम निकाला, पूरा माखन इसी के अंदर है छाछ में। देखो किसी को देंगे भी नहीं हम भैया, पहले सोचा था छाछ इसको दे देंगे, उसको दे देंगे, सबको देंगे, पर हम कोई को नहीं देंगे भैया छाछ, क्योंकि हमारा छाछ के अंदर माखन छुपा है पूरा पूरा। अभी निकल गया है, ठीक ठाक निकला है। ये है 4.5 लीटर दूध का छाछ, इतना वो माखन, सॉरी माखन है पूरा, ये आधा तो ज़्यादा इसमें से ना, ये इतना यहाँ तक भरा जाता यदि अदिति पूरा करती है। बहू इतना पूरा भरा था यहाँ तक। क्या यार, मैंने मम्मी इनको, मम्मी ना घी बुला रही थी, मैंने बोला घी नहीं लाऊंगा मैं, घर पे बनाऊंगा, बाहर की सब चीज़ें लाना बंद करो, और आखिरी में घी कम निकलेगा। तो बोले देखा, इतने रुपये का घी इतना सा निकला, जरा सा घी निकाल के दिया तुमने मेरे को। आधा तो इसमें रह गया, मैं सोया था, उसके बाद उठ भी गया, और अभी देखो उसने क्या किया है। आया बोले सबसे पहले बुलाया, मैं सबको बताऊंगा मैं क्या किया बेटा। अरे ये तो A4 एप्पल बन गया, A4 अदरिक भैया, A4 अदिति मम्मा, ये देखो। ओ भाई क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ, ये तोड़ दी आपने बंदूक? इतनी खुशी तो किसी बच्चे को नहीं होती होगी उसका खिलौना तोड़ने पे। चलो तो यहाँ पर कुछ साड़ी की जो फॉल थी मम्मी ने धो के रखी थी, उनको हमने रोल बना के रख दिया। ये हमारे विधि सर लाइटर लेके घूमते रहते पूरे घर में। हमारे अद्रिक सर को टीवी चालू हो गई, समझ लो संजीवनी बूटी मिल गई है, उसको अभी तक अच्छा ही नहीं लग रहा था घर में। फिलहाल यहाँ पे बन रहा है मक्खन फिर से अगेन, जो छाछ था ना उसमें हम लोगों ने सही ढंग से मक्खन निकाला ही नहीं था। एक बार का मक्खन तो ये देखो इतना तो आ चुका है, इतनी क्वांटिटी में ये पूरा फुल भरा जाएगा भैया। हाथ लगाने में भी डर लगता है ऐसे, क्योंकि गर्म ही इतना हो जाता है ना, एकदम ऐसे आँच लग रही है उसकी। हो भाई हाय, पूरे प्रॉपर तरीके से मक्खन बना इस बार तो। ये देखो भैया इस बार बना है भैया एकदम सही 60 मक्खन। थोड़ी सी देर और चलाते इसको 10-1 मिनट, फिर निकल आएगा मक्खन बढ़िया से। और आज की है ताज़ा खबर, जो कि कुछ लोग सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे। बताओ क्या हो सकता है? आपका बर्थडे
8 तारीख को मेरा बर्थडे था, आज हो गई है 11 तारीख। मेरा बच्चा डेली रात को रोते हुए सो रहा है कि मम्मा का बर्थडे नहीं बनाया, मम्मा का केक नहीं लाया, मम्मा के बर्थडे की पार्टी नहीं मिली, कुछ नहीं किया, बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। तो आज फाइनली हम लोग जाने वाले हैं बाहर, वहाँ पे खाएंगे, एक पिज़्ज़ा लेंगे बच्चों के लिए, वाइट सॉस पास्ता, मतलब जो भी अच्छा लगेगा, मतलब ये तो हमारी सोची हुई चीज़ें, बाकी वहाँ पे जो अच्छा लगेगा वो खाएंगे और एक केक कट भी करेंगे, यानी कि पार्टी। पिज़्ज़ा भी खाऊंगा। पिज़्ज़ा खाओगे? हाँ। कितना? 3 की 4 पूरा? पूरा का पूरा। हाँ। वाह यार, आज तो मजे ही मजे विद्यार्थी के। क्यों? बर्गर भी। और फ्रेंच फ्राइज। और बस यही खाऊंगा मैं तो। हाँ, इतनी कैपेसिटी है ना। दादा और दादा भी तो रहेंगे? नहीं यार, वो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े दादा रहते हैं ना अपने घर में, फिर वो अकेले हो जाएंगे, उनको अकेला अच्छा नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पे हमारे दादा आ गए हैं ऊपर से। घुमा है दादा छत पे? घुमा है छत पे? हाँ घुमा है। हाँ हाँ हाँ, इधर है आपका पलंग, यहाँ पे यहाँ पे। तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने तो जाएंगे, पर मम्मी पापा नहीं जा पाएंगे क्योंकि पापा को शॉप में टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर बाहर भी, हमारे घर के बाहर भी कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर भी पापा को आना जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी जाएंगे वो, तो वहाँ से आने में लेट हो जाता है, फिर यहाँ पे दादा अकेले रहते हैं तो मम्मी को भी नहीं ले जा पाएंगे हम लोग साथ में। है किस तो फिलहाल अभी टाइम तो भूल गया मैं, जो भी है जैसा भी है, फिलहाल मैं तैयार सा हो गया हूँ, 8 बजने में मैं तैयार हो गया हूँ, और इधर अपना नन्ना मुन्ना तैयार हो गया, विदित तैयार हो गया, अदिति यहाँ पे तैयार हो रही है। अब भी हम जा रहे भैया अदिति के बर्थडे पार्टी में, और पार्टी अदिति देगी, वो पार्टी देगी भैया। नहीं पिज्जा, पिज्जा खाने जा रहे भैया हम, पिज्जा पिज्ज़ा खाएंगे, व्हाइट सॉस पास्ता खाएंगे, इतना ही खाएंगे और क्या ही खाएंगे, ये उनको सीधा घर लेके आ जाएंगे। यदि दुकान वो कैफे बाहर निकलाना तो इनको बाहर गाड़ी में बिठवा के एक एक सैंडविच खिलाया, सीधे घर लेके आ जाएंगे अपन। और अदिति का बर्थडे 8 तारीख को था, मतलब 4-5 दिन के बाद में केक, आज उसका केक भी नहीं काटेंगे अपन, ओनली सिर्फ और सिर्फ उसका पार्टी दे देंगे अपन बस, यदि उसको अदिति को और बच्चों को। ओ भाई लगा ना, अरे लगा दरवाज़ा। नहीं नहीं नहीं, अरे ब्लैक कपड़े पहना बेटा, गंदे हो जाएंगे। पिज्जा खाना हो तो मैं नहीं ले, पिज्जा खाना है थप्पा। नहीं थप्पा नहीं, गंदा कपड़ा, ब्लैक कपड़ा गंदा हो जाएगा तेरा। चलो चलो विदित को नहीं ले जा रहे, विदित को चल 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 चल, ऐसे गंदे गंदे बच्चों को नहीं ले जाते, जो जिद्दी करेगा ना उसको मैं लेके जा रहा। रेंदे भाई रेंदे, तेरे से नहीं हो पाएगा, रेंदे 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 तेरे से नहीं हो पाएगा, जा 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 ऐश कर। चलो फिलहाल तैयार होते हैं फिर चलते। बच्चे ब्लैक ब्लैक पहने थे ना, अधिक दोनों ब्लैक पहने, अधिक बाहर बैठा है तो फिलहाल मैंने ब्लैक पहन लिया, आदित्य भी ब्लैक पहन, ग्रेप साड़ी पहनी पर ब्लैक तो उसका ब्लाउज है ना, मतलब मैचिंग मैचिंग कुछ कुछ। चलो फिलहाल कैफे जाएंगे भैया, कुछ खाएंगे पियेंगे, मस्त वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आए थे इंडियन पिज्जा हाउस, ये तो बंद निकला भैया, अब दूसरी जगह जा रहे हैं। जहाँ तक बताऊंगा, अब ये बोल रहा मैं बताऊंगा कहाँ जाना है, तो आप चलो जैसे यहाँ से निकलो। अब बोलता तो ऐसा है जैसे पूरा खरगोन घुमा है। चलो फिलहाल मैं एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, शायद खाना नहीं खाना है, पिज्जा खाना है और पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता खाना है बस। पास्ता आप खाओगे? ठीक है, तो चलो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले कैफे में आ गए अपन। चलो विदित बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाएंगे अपन, चलो पहले तो इधर है, यहाँ चलते हैं कि कैसा क्या देखते, फर्स्ट टाइम आए अपने पहलवानों, तो भगते भगते ही जा रहे हैं कैफे एंड रेस्टोरेंट, हम तो कैफे पिज्जा खिलाने लाए हुए बच्चों को बस। विदित कौन सा खाना है? शोर शराबा थोड़ा सा ज़्यादा है, पेड़ का भी पब्लिक का भी। अरे ये तो पानी है, पानी है ये, पिज्जा खाना है ना, देखो देखो जल्दी पिज्जा, ये देखो पक्का करा वो भी। रेस्टोरेंट से बाहर आके इसके डायपर पेन चेंज करे, पॉटी कर ली इसने, अधिक को रेस्टोरेंट के अंदर ही बिठा के आना पड़ा हमको। जल्दी चल भैया, अकेला रोने लग जाएगा नहीं तो, मेरा छोरा पॉटी कर ली और बदमाशी करता हूं, तो मैं उसके पास मोबाइल छोड़ के आया करो। हाँ सही है, पहली बार अकेले छोड़ा उसको, चल देखते से क्या बोलता क्या नहीं बोलता, अकेले छोड़ा तो। ठीक है, देखो पिज्जा खा रहा है, हमको लगा रोता है, पिज्जा खा रहा है मस्त, तो पिज्जा खाने लग गया। चलो भैया चेस चेस चेस
Cheers. नहीं अंदर नहीं, कोई एक जरा से सवर नहीं है, छोटे से खोलो। नहीं मैं नहीं खोल रहा। अरे ना बेटा यार, बड़े बार बच्चों को परेशान करना क्या बात है। ये क्या खुल क्यों नहीं रहा विदित? खुल गया, खुल गया। ये छोटे वाले को ना बहुत तरह थे। गई नहीं, इनकी आदत ही उल्टी जलाते, अपने तरफ जलाते। अधिक भी हो गया, अदिति भी और विदित दोनों। उसको तभी तो चटका लगा था विदित को। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी है ना वो। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी है ना वो। चल चल जल्दी, जो भी करना हो जल्दी करो। रेंदे आदित्य नीचे ही रेंदे। चल फुक मार, फुक मार, मार फुक मार। हैप्पी बर्थडे, रुक जा रुक जा, चुप हो जा। अधिक गाना का कौन सा गाना गाते? गाओ आपके स्कूल वाला गाना। गाओ गाओ, बोल गया। चल Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। ये दूसरा हाथ से खा लिया भैया, इतनी देर तक कौन इंतजार करेगा। कैसा लगा विदित? अच्छा लगा। तो रख दो इसको वापस। तो ये खाओ ना, मैं खिलाई थोड़ी हूँ आपको। केक में से ही खाऊंगा मैं। वो बदमाश है, ये देखो चालू हो गया। खाने दो, कपड़े भर देगा वो। खाने दो उसको आज तो, पेट भर गया। चलो इसको तो देखो यार, लड्डू खा रहा हूँ। ले वही लड्डू। बस हो गया ना विदित, बस हो गया ना सर। ज्यादा नहीं भाव बढ़ गए इसके? प्यार से नहीं बात करता थी मैं आपको। मैं प्यार की बात कर रही। चल मेरा केक हट, तो बहुत सारा खा लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी लिखा है उस पे। जा अब प्लेट में मिलेगा विदित, अब प्लेट में मिलेगा। हटा दे विदित, हटा दे। अंगूठा चाट ले, अंगूठा चाट खा लेंगे। चल खा लेंगे तो खाएगा भैया। ऊपर ऊपर के पूरे खाएगा, फिर छोड़ेगा केक को, मेरे को पता है। तो उसके पहले केक नहीं छोड़ने वाला है वो। चलो मैं पार्टी में गए थे, जब कैसी हालत थी पार्टी से आया, जब कैसी हालत है देखो भैया। ये सब पूरी हालत है ना, ख़राब करने वाला बंदा एक ही, अपना वन एंड ओनली विदित कर्मा। ओ भाई पूरे काम का क्रेडिट जाता है विदित सर, विदित सर को। वहाँ पे एक तो रुक जा रुक जा, इसके ये गा रुको। देखो वहाँ तो उसने पार्टी करी, फिर ऊपर से धमाल अलग मचाया, घर आके अलग धमाल मचाया, वहाँ से निकल रहे थे वहाँ पे अलग धमाल मचा। देखो जुच पीना है और पीता कुछ नहीं वहाँ पे। सॉरी भूल गया मैं। नाम यहीं पे लेने लग गया, यदि अभी सुन लेता तो अब भी और नाटक चालू हो जाती रात की 11 बजे। साफ साफ शब्दों में बोल दिया मैंने, माफ़ करना सर हमको, यदि गलती हो गई मुँह से निकल गया हो तो सॉरी। मेरा तो आज पूरा पेट से दुख रहा है, खाया पिया कुछ नहीं और पेट दुख रहा है। चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं, चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाबा टेक केयर, सी यू, मिस यू, हग यू, मिट्टी बाबा, लव यू, लव यू, बाय बाय।